नमस्कार, अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। विजय रूपानी होंगे गुजरात के नए मुख्यमंत्री, विधायक दल की बैठक में रूपानी के नाम पर लगी मोहर। नितिन पटेल होंगे गुजरात के डिप्टी सीएम, पहले सीएम बनाए जाने की थी चर्चा। असम के कोकराझार में आतंकी हमला, बाजार में की गई फायरिंग, 13 की मौत, एक आतंकी ढेर, सीएम सोनोवाल ने पीएम को दी जानकारी। सेना ने कोकराझार में बड़े पैमाने पर चलाया सर्च ऑपरेशन, बाकी आतंकियों को पकड़ने की कोशिश, संदिग्ध सामानों की ली जा रही है तलाशी। प्रधानमंत्री मोदी ने कोकराझार हमले की निंदा की, आतंकी हमले का शिकार हुए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। आतंकी हमले के बाद एनएसए अजीत डोभाल ने की असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से मुलाकात, मामले पर गृह मंत्रालय की नजर। पाकिस्तान दौरे पर राजनाथ सिंह ने संसद के दोनों सदनों में दिया बयान, आतंक पर पाकिस्तान को नसीहत दी, कहा परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे। बिना लंच के लौटने पर बोले राजनाथ, कहा भोजन करने नहीं गया था पाकिस्तान, ब्लैकआउट किए जाने पर कोई शिकवा नहीं। राजनाथ सिंह के लिए प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए जाने पर कांग्रेस ने पाकिस्तान की आलोचना की, गुलाम नबी आजाद बोले गृह मंत्री ने अच्छा काम किया। राजनाथ सिंह के भाषण को ब्लैकआउट करने पर विदेश मंत्रालय का बयान, स्पीच कवर हुआ या नहीं पता नहीं, लेकिन भारत की एजेंसियों को कवर करने की इजाजत नहीं दी गई। अधिकारों की जंग में दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र की कैबिनेट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फैसले से पहले उसका पक्ष भी सुने। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने जी न्यूज से की खास बातचीत, कहा दिल्ली सरकार अपने कई फैसलों पर करे दोबारा विचार। दिल्ली सांसद महेश गिरी ने केजरीवाल को बताया मूर्ख, कहा संवैधानिक ढांचे को तोड़ने में लगी है दिल्ली सरकार। बोला केजरीवाल पर हमला, कहा काम नहीं करना चाहती है दिल्ली सरकार, लोगों ने काम करने के लिए चुना है, लड़ने के लिए नहीं। महेश गिरी ने दिल्ली में केजरीवाल का इस्तीफा मांगने वाले पोस्टर लगवाए, पूछा क्या अभी भी सत्ता में रहने का अधिकार है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन, मुसलमानों से माफी मांगने की मांग, आम आदमी पार्टी विधायक नरेश यादव पर धर्म ग्रंथ की बेअदबी का। महाराष्ट्र में मातम के बीच मंत्री की सेल्फी, सवाल पूछा तो पत्रकारों पर भड़के प्रकाश मेहता, रायगढ़ हादसे के बाद सीएम के दौरे के वक्त ली थी सेल्फी। मंत्री प्रकाश मेहता ने जी न्यूज से कहा नहीं ली कोई सेल्फी, मेरी बोले मेरी उम्र नहीं है सेल्फी लेने की। मंत्री की सेल्फी पर कांग्रेस ने सरकार पर बोला हमला, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण बोले सरकार नहीं है गंभीर। टाइगरपुल हादसे में एनडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी, अब तक 22 शव बरामद, 21 लोगों की हुई पहचान। लोकसभा में 8 अगस्त को जीएसटी बिल लेकर आएगी सरकार, बीजेपी ने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया। सऊदी अरब में फंसे भारतीय कामगारों से मिलने के लिए राहत कैंप पहुंचे वीके सिंह, कहा चिंता की जरूरत नहीं है, आपकी मदद के लिए आया हूं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ का वीडियो आया सामने, थर्मल इमेज वीडियो में दिख रहे हैं आतंकी। कश्मीर में कल हुई हिंसक झड़प के बाद आज जम्मू के भी तनाव, डोडा, बनिहाल और किश्तवाड़ में बंद, एहतियात के तौर पर जम्मू में इंटरनेट सेवाएं बंद। अहमदाबाद में दलित संगठनों का विरोध प्रदर्शन, अहमदाबाद से ऊना तक निकाला गया विरोध मार्च, दलित पीड़ितों की पिटाई पर जताई नाराजगी। मुंबई में बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ी, लोअर परेल सायन में पानी भरा, ट्रैफिक जाम से लोगों को ही परेशानी, कई फ्लाइट रद्द। मुंबई में तेज बारिश के बाद हाई टाइड, समंदर में उठी ऊंची लहरें, अगले 48 घंटों का है अलर्ट। जयपुर में पिछले 10 दिन में 100 गायों के मरने पर कांग्रेस ने वसुंधरा सरकार को घेरा, कहा सरकार गायों को बचाने में है नाकाम। जयपुर में गायों की मौत पर मेनका गांधी का बयान, पूछा गौशालाओं में नहीं मिलता है क्या खाना। महाराष्ट्र सरकार नो हेलमेट नो पेट्रोल पॉलिसी को वापस लेने के लिए तैयार, अब पेट्रोल लेने के लिए हेलमेट जरूरी नहीं होगा। बरेली में वंचनों से परेशान स्कूली छात्राओं की शिकायत के बावजूद अभी तक नहीं लिया गया कोई एक्शन, जी न्यूज को बताई लड़कियों ने परेशानी। देश में डॉक्टर्स की भारी कमी, लोकसभा में सरकार ने बताया चौंकाने वाला आंकड़ा, 893 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर। एमपी के उज्जैन में मिड डे मील पर विवाद, 50 से ज्यादा मदरसों ने किया खाना को से इनकार, कहा बच्चों को नहीं खिलाएंगे हिंदू रीति रिवाज से बना खाना। पुलिस हिरासत में दलित युवक की मौत के बाद यूपी के कानपुर में हंगामा, नाराज लोगों ने किया पुलिस पर पथराव। भोपाल में मौलाना आजाद इंजीनियरिंग कॉलेज में ड्रेस कोड लागू करने के खिलाफ सड़कों पर उतरी छात्राएं, हॉस्टल का वक्त बदलने की मांग। दंतेवाड़ा और बीजापुर के बॉर्डर पर एक महिला नक्सली समेत 3 नक्सली ढेर, पुलिस ने हथियार बरामद भी किए।
लखनऊ में एबीवीपी के छात्रों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, छात्र संघ बहाली को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। नोएडा के सेक्टर 10 में एक कार में लगी आग, चंद मिनटों में जलकर हुई खाक, शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा, कार में बैठे 5 लोग सुरक्षित। नोएडा के सेक्टर 20 में पति ने पत्नी को सरेआम पीटा, डीएम के घर के पास हुई वारदात, कोई नहीं आया बचाने। पटना में नकली सोना गिरवी रखकर लाखों का लोन लेने की ठगी का पर्दाफाश, 174 सोने जैसी दिखने वाली चूड़ियां जब्त। मुंबई के गिरगांव में गिरी दो इमारतें, 3 मंजिला इमारत गिरने से एक महिला घायल, 4 महिलाओं का किया गया रेस्क्यू। एमपी के नरसिंहपुर में खतरे का पुल, जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं पुल, बारिश के बाद नली नाले उफान। छत्तीसगढ़ में बारिश का कहर, रायपुर समेत पूरा संभाग बारिश में, पानी से हुआ लबालब, निचले इलाकों में भरा पानी, कई कॉलोनियां पानी में डूबी। यूपी के फर्रुखाबाद में खतरे के निशान से ऊपर रामगंगा, 2 दर्जन गांवों से संपर्क टूटा। बिहार के सुपौल में प्राइवेट स्कूल की बेरहमी, शरारत करने पर केजी क्लास के बच्चे को जंजीर से बांधा। नेत्रहीन आश्रम के दिव्यांगों की भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं टीचर, कमरों में टपकता है पानी। पंजाब के कपूरथला में सोते हुए लोगों पर चढ़ा बेकाबू ट्रक, 2 की मौत, 2 घायल। मुजफ्फरनगर में गैंगवॉर के बाद ट्रिपल मर्डर, बदमाशों के 2 गुटों में हुई फायरिंग, लूट की रकम के बंटवारे को लेकर विवाद। यूपी के बागपत में बदमाशों के सामने लाचार दिखी पुलिस, बदमाशों ने क्राइम ब्रांच के पुलिस वालों को पीटा, पुलिस की पिस्तौल भी छीनी। आगरा में अश्लील वीडियो के काले कारोबार पर छापेमारी, पुलिस ने कई जगह पर की दबिश, 35 लोगों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के गोंडा में बच्चे बना रहे हैं कच्ची शराब, कई इलाकों में अवैध शराब बनाने की भट्टियां लगी हैं, प्रशासन इससे बेखबर। सीतापुर में दर्दनाक हादसा, जहरीली गैस रिसाव से 2 भाइयों की मौत, नलकूप के ठीक करने के गड्ढे में उतरे थे दोनों। यूपी के पीलीभीत में मनचलों ने 4 स्कूली छात्राओं को एक मिल में खींचा, लड़कियों से की गई अश्लील हरकतें, आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने लड़कियों को बचाया। यूपी के बहराइच में पुलिस की वर्दी में लूट, हथियारबंद रखेतों ने महिलाओं को घर में बंधक बनाकर लूटा, लाखों के जेवरात पर डाका। यूपी के कुशीनगर में लड़की से गैंगरेप, पुलिस ने लड़की पर समझौते का बनाया दबाव, लड़की के भाई और मामा को जेल में डाला। बलिया में नाबालिग लड़की का दोस्तों ने बनाया अश्लील वीडियो, नशीली दवा खिलाकर किया गैंगरेप, आरोपी अब तक फरार। अंबाला के ज्वेलरी शोरूम में 5 महिलाएं ठगी करके फरार, नकली गहने देकर असली गहने ले गई, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। इलाहाबाद में निराले अंदाज में दी गई रियो ओलंपिक में हिस्सा लेने गए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं, ताश के पत्तों से बनाए रियो का प्रतीक। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी की दीवारों पर अब दिखेगा शहर का इतिहास, वॉल पेंटिंग के जरिए शहर की खूबसूरती भी बढ़ेगी। देवघर में शिवलिंग वाले सिक्कों की जबरदस्त डिमांड, 30,000 रुपए में बिक रहा है 10 ग्राम सोने का सिक्का। झारखंड के धनबाद में 3 कमरों में चल रही है 8 क्लास की पढ़ाई, 300 छात्रों के लिए है सिर्फ 5 टीचर। बाजार में चौतरफा खरीदारी, दिन के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 364 और निफ्टी में 132 अंकों की तेजी। मारुति के बाद ह्यूंडई की गाड़ियां भी महंगी, सभी मॉडल्स पर 3,000 से 20,000 तक दाम बढ़ाए गए, नई कीमतें 16 अगस्त से होंगी लागू। चांदी में बढ़ी बिकवाली, MCX पर चांदी में 300 रुपए से ज्यादा की नरमी, सोना भी 50 रुपए टूटा। दवा की सही कीमत जानना होगा आसान, नेशनल फार्मास्यूटिकल्स अथॉरिटी जल्द ही करेगी एक ऐप लॉन्च, दवाइयों की ओवर प्राइसिंग से बचाने की लोगों को कोशिश। अगले 5 साल के लिए रिटेल महंगाई दर का टारगेट, रिटेल महंगाई का टारगेट रखा 4%, 2% का रखा गया है मार्जिन। जीएमआर और जीवीके के प्रमोटर्स को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, जीएमआर और जीवीके पर सरकार को 25,000 करोड़ का चूना लगाने का है आरोप। सऊदी अरब में पकड़ा गया अलकायदा और लश्कर ए तैयबा का बड़ा रिक्रूटर सबील अहमद, सुरक्षा एजेंसियां पहचान करने में जुटी, बेंगलुरु के डॉक्टर कफील अहमद का भाई है सभी। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी चॉपर की क्रैश लैंडिंग के बाद तालिबान ने लगाई हेलीकॉप्टर में आग, सभी 7 लोगों को बनाया बंधक। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का बड़ा बयान, कहा सीरिया मुद्दे पर नहीं है पुतिन पर भरोसा, बोले सीरिया की टेंशन ने मेरे बाल सफेद किए। आईएसआईएस के खिलाफ रणनीति पर ओबामा ने आर्मी कमांडर्स के साथ की बैठक, इस्लामिक स्टेट के खिलाफ नए सिरे से मोर्चा खोलने की तैयारी। शुरू की सितंबर में होने वाले G20 सम्मेलन की तैयारी, कई फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया है, हंगजाओ प्रांत के लोगों को अंग्रेजी सिखाने की भी है तैयारी। अमेरिका
की फौजों ने लीबिया के सिर्त में आतंकी संगठनों के खिलाफ शुरू की बमबारी, समंदर में वॉरशिप से भी किया गया हमले। अमेरिका के मियामी में जीका वायरस के खिलाफ अभियान, मच्छरों को मारने के लिए हवाई जहाज से किया गया छिड़काव। अमेरिका के फ्लोरिडा में ऑयल टैंकर में लगी आग, फंसे हुए कर्मचारी को कोस्ट गार्ड ने बचाया। शंघाई में सबवे स्टेशन की सीलिंग टूटने से अफरा तफरी फैली, लगातार हो रही बारिश को बताई गई वजह। चीन के त्याजिन में पहली बार कार क्रैश, टेस्ट में गाड़ियों की आमने सामने की बजाय साइड से करवाई गई टक्कर, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कराई गई गाड़ियों की टक्कर। उत्तर कोरिया में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे पर हुआ बड़ा सम्मेलन, बच्चों के लिए माँ के दूध की अहमियत समझाई। लंदन में चाकू से हुए हमले में एक अमेरिकी की मौत, हमले के आरोप में 19 साल का शख्स गिरफ्तार। चीन के समंदर में दिखा अनोखा नजारा, फुजियान प्रांत में ब्लू टियर के नाम से मशहूर नजारे को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़। चिली के सैंडियागो में शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे छात्रों से हुई पुलिस की झड़प। के चिड़ियाघर में सफेद शेरनी ने दिया 3 बच्चों को जन्म, पिछले साल जून में आई बाढ़ में इसी चिड़ियाघर में हुई थी 280 जानवरों की मौत। चीन के गंसु प्रांत में भारी बारिश और बाढ़ के बाद एक्सप्रेसवे का बड़ा हिस्सा किया गया बंद, यातायात व्यवस्था संभालने में हो रही है मुश्किलें। रियो में अब से कुछ देर बाद ओलंपिक खेलों की रंगारंग शुरुआत, रियो डी जेनेरियो के मकराना स्टेडियम में होगी ओलंपिक सेरेमनी। ओलंपिक खेल शुरू होने से ठीक पहले तक खेल गांव में नहीं है पूरे इंतजाम, 17,000 खिलाड़ी और अधिकारियों को ठहराने के लिए बनाए गए हैं 3,500 से ज्यादा कमरे। ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाओं का सिलसिला जारी, सेंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने खास अंदाज में कहा गुड डक। एथेंस के ऐतिहासिक स्टेडियम को ब्राजील के झंडे के रंगों से किया गया रोशन, 1896 में इसी स्टेडियम में हुए थे पहले ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेलों में एंडी मरे करेंगे ब्रिटेन की अगुवाई, ब्रिटेन के झंडे के साथ दल को लीड करेंगे। रियो ओलंपिक में इवेंट देखने के लिए टिकटों की मारामारी, विदेशों से आए पर्यटक भी हो रहे हैं परेशान। दिल्ली में हुई बीसीसीआई की एसजीएम, 9 अगस्त को लोढ़ा कमेटी से मुलाकात करेंगे अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिल्प। हॉकी खिलाड़ियों की किट नहीं पहुंचने पर बोले खेल मंत्री, कहा आईओसी की है जिम्मेदारी, अधिकारियों को भी दिए निर्देश। सिद्धार्थ, आलिया, परिणीति और सिद्धार्थ रॉय कपूर जाएंगे अमेरिका इंटरनेशनल शो में लेंगे हिस्सा। रॉक ऑन 2 के बाद फरहान अख्तर की अगली फिल्म लखनऊ सेंट्रल में भी नजर आएंगी श्रद्धा कपूर, फरहान ने फिल्म के प्रोड्यूसर निखिल अडवाणी से की सिफारिश। मलाइका ने अरबाज को दी बर्थडे की बधाई, सोशल मीडिया पर पोस्ट की तस्वीर, सूत्रों के मुताबिक फिर साथ आ सकते हैं मलाइका और अरबाज। फिल्म मेकर फराह खान बनाएंगी सानिया मिर्जा की बायोपिक, सानिया के रोल में दिख सकती हैं परिणीति चोपड़ा, सूत्रों के हवाले से खबर। सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट की शूटिंग शुरू, लेकिन फिल्म की हीरोइन के नाम का अब तक नहीं हुआ है खुलासा।